Hello, good evening everyone. So today we will start with German School of Geographical Thoughts. तो इसमें अपन देखेंगे जितना भी कंट्रीब्यूशन था, जितने भी अपने जर्मन स्कॉलर्स थे उनका कंट्रीब्यूशन था फ्रॉम द प्री क्लासिकल टाइम टू क्लासिकल एरा, देन पोस्ट क्लासिकल एरा, दैट मीन्स मॉडर्न टाइम. सो फ्रॉम प्री क्लासिकल टाइम टू मॉडर्न टाइम अपन जो जर्मन स्कॉलर्स हैं, जर्मन स्कूल ऑफ थॉट्स है, जो उसने कॉन्ट्रीब्यूट किया इन द फील्ड ऑफ ज्योग्राफी, उसके बारे में आज स्टडी करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. नाउ सी, जर्मन स्कूल ऑफ थॉट्स, इनके जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, अपन ने इनको डिवाइड किया है इंटू थ्री पार्ट्स. बेसिकली ये थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड हैं. फर्स्ट इज आर प्री क्लासिकल पीरियड. प्री क्लासिकल पीरियड में अपने जो जर्मन स्कॉलर्स जिन्होंने फाउंडेशन स्टेब्लिश की थी उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे. देन वी हैव क्लासिकल पीरियड, वेयर वी ऑल्सो कॉल दिस क्लासिकल पीरियड एज हम्बोल्ट रिटेरियन पीरियड. जो अपन ने हम्बोल्ट और रिटर की जो स्टडी की थी उनको पढ़ा था, तो जो पूरा कॉन्सेप्ट है दैट कम्स इन द क्लासिकल पीरियड. लास्टली वी हैव पोस्ट क्लासिकल पीरियड, जिसमें अपने मॉडर्न स्कॉलर्स आएंगे. आफ्टर रिटर एंड हम्बोल्ट, जितने भी मॉडर्न स्कॉलर्स हैं जिसमें एक ज्योग्राफी को एक स्पेसिफिक डिसिप्लिन का दर्जा दे दिया गया था, तो तब जितने भी वर्क्स हुए थे, जो भी स्पेसिफिक वर्क्स हुए थे, उसमें जो स्कॉलर्स आएंगे उनको अपन कहेंगे पोस्ट क्लासिकल स्कॉलर्स. गॉट द पॉइंट? नाउ जो जर्मन स्कॉलर्स हैं, दे एक्चुअली लेड द फाउंडेशन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ज्योग्राफी. ओके, इन्होंने ज्योग्राफी को एस्टेब्लिश किया एज अ मॉडर्न साइंस, और उसमें इन्होंने काफ़ी सारे वैल्यूएबल कॉन्सेप्ट्स रखे, काफ़ी सारे मॉडल्स रखे, काफ़ी पैराडाइम इन्होंने इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस रखी जिन्होंने काफ़ी चेंजेस लेके आए, काफ़ी पैराडाइम चेंजेस आए. जैसे कि अपन देखेंगे कि जो हेलियोसेंट्रिक अप्रोच है वो जर्मन स्कॉलर्स फर्स्ट टाइम लेके आए थे. तो अभी भी जो चीज़ें रेलिवेंट है इन द टुडेज वर्क ऑल्सो, तो उसमें जो वर्क है जर्मन स्कॉलर्स का, जो कॉन्ट्रीब्यूशन है जर्मन स्कॉलर्स का, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ओके, सो स्टार्टिंग विद द प्री क्लासिकल पीरियड, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने जो प्रोमिनेंट स्कॉलर्स हैं जैसे पीटर एपियन, सेबेस्टियन मूलर, देन वी हैव क्लुवेरियस, ये जो तीनों स्कॉलर्स हैं इन्होंने एक कंपेंडिया, दे फॉर्म्ड अ कंपेंडिया ऑफ ज्योग्राफी, दैट मींस एक कलेक्शन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट्स. ठीक है, इन्होंने एक कलेक्शन बनाया ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट्स जिसमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन थी ऑफ ज्योग्राफी. और अगर इनका वर्क अपन देखेंगे, तो इन्होंने एक्चुअली जो क्लासिकल टॉलेमियन ट्रेडिशन और जो रोमन ट्रेडिशन है स्ट्रैबो का, उसको रिव्यू किया है. ओके, दे रिव्यूड क्लासिकल टॉलेमियन एंड रोमन में भी बेसिकली स्ट्रैबो का. ओके, उनके जो ट्रेडिशंस थे उनको इन्होंने रिव्यू किया. तो ये जो है, जो तीनों स्कॉलर्स हैं, पीटर एपियन, सेबेस्टियन मूलर, देन वी हैव क्लुवेरियस, दे आर प्रोमिनेंट स्कॉलर्स. ओके, दे आर वेरी प्रोमिनेंट स्कॉलर्स. यहाँ पे अपन देखेंगे कि इन्होंने सिर्फ कार्टोग्राफी या फिर एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में ही वर्क नहीं किया था, दे एक्चुअली वर्कड ऑन प्रिसिजन ऑफ मैप मेकिंग. ओके, तो जितने भी करेक्शंस करेक्शंस इन द सेंस ऑफ स्केलिंग या मैपिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एरा, न्यू एरियाज, ये सारी जो चीज़ें हैं अपन ये देखेंगे कि ये सारे करेक्शंस किए गए थे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दीज प्री क्लासिकल स्कॉलर्स. ओके, अब
एक एक स्कॉलर को अपन डिटेल में पढ़े। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव पीटर एपियन। सी, पीटर एपियन वॉज अ एस्ट्रोनॉमर एस्ट्रोनॉमर एंड अ कार्टोग्राफर। ठीक है, एस्ट्रोनॉमर है ये, एंड कार्टोग्राफर। गॉट द पॉइंट? इनके एक्चुअली इनकी जियोसेंट्रिक अप्रोच थी यूनिवर्स को लेके। ही बिलीव्ड इन जियोसेंट्रिक अप्रोच ऑफ यूनिवर्स। एंड इनके दो वर्क्स हैं बेसिकली, एस्ट्रोनॉमिकल ट्रीटीज, एस्ट्रोनॉमिकल ट्रीटीज एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री एंड एस्ट्रोनॉमी। तो कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री एंड एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोनॉमिकल ट्रीटीज, ये दो वर्क हैं इनके। और ये आपको इनके साइड में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा डायग्राम दिख रहा होगा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मैप दिख रहा होगा। तो इन्होंने जो कार्टोग्राफर थे, तो इन्होंने हार्ट शेप का मैप बनाया था। ओके, ही प्रोड्यूस्ड अ हार्ट शेप्ड वर्ल्ड मैप। तो ये फर्स्ट एवर जो रिप्रेजेंटेशन था ऑफ अर्थ या ऑफ द वर्ल्ड, जो कि किया गया था इन द हार्ट शेप। ओके, और इन्होंने इसमें दोनों लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक कर्व्ड लाइन के फॉर्म में शो किए थे। सी हेयर, यहाँ पे आपको दिखेंगे लॉन्गिट्यूड्स, ये अपने लॉन्गिट्यूड्स हैं, ये अपने लैटिट्यूड्स हैं, ये किस फॉर्म में है? कर्व्ड लाइन के फॉर्म्स में है। ओके, तो ये कर्व्ड लाइन के फॉर्म्स में अपने को क्या दिखेंगे, इनके लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं दैट करेक्शंस होना स्टार्ट हो गए थे इन द मैप्स, इन द फील्ड ऑफ मैप मेकिंग। अब ये तो थे पीटर एपियन। नेक्स्ट आते हैं अपने सेबेस्टियन म्यूलर। इनका वर्क है कॉस्मोग्राफिया यूनिवर्सलिस। जस्ट अ सेकेंड, ये इनका वर्क है कॉस्मोग्राफिया यूनिवर्सलिस। ये पब्लिश हुआ था इन द ईयर ऑफ 1544। एक्चुअली इन्होंने ये एक अथॉरिटेरियन वर्क ऑफ ज्योग्राफी था, ये एक बहुत ही अथॉरिटेरियन वर्क था ऑन द फील्ड, इन द फील्ड ऑफ ज्योग्राफी। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क था इन दिस टाइम। तो आफ्टर मैनी डिकेट्स ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क एक निकल के आया था इन द फील्ड ऑफ ज्योग्राफी। एंड ये भी बिलीव करते थे इन द जियोसेंट्रिक अप्रोच। ओके, नेक्स्ट आएंगे अपने क्लुवेरियस। क्लुवेरियस वॉज द फर्स्ट वन टू टॉक अबाउट यूनिवर्सल ज्योग्राफी। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट इन्होंने कॉइन किया था, दैट वॉज यूनिवर्सल ज्योग्राफी। ओके, तो ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने यूनिवर्सल ज्योग्राफी के बारे में बात की थी, और इन्होंने इस पर एक बुक भी लिखी है, एंड दैट बुक इज नोन एज यूनिवर्सम ज्योग्राफियम। आई डोंट नो कि आप लोगों को भी ये फील हो रहा है, बट जितने भी ये टर्म्स हैं, इन टर्म्स को पढ़ते हुए मुझे हैरी पॉटर मूवी की याद आती है हमेशा। ओके, तो यूनिवर्सम ज्योग्राफियम ये इनकी बुक थी। नेक्स्ट आते हैं अपने वाल्डेसी मूलर। जस्ट अ सेकेंड, ओके सॉरी, मैंने वाल्डेसी मूलर का पेज नहीं रखा है। सो वाल्डेसी मूलर, इन्होंने एक मैप बनाया था एक्चुअली, ही प्रेजेंटेड अ मैप। उस मैप को इन्होंने बोला कार्टा मरीना। कार्टा मरीना नाम से इन्होंने मैप बनाया था। दिस मैप, इसमें क्या था, एग्जैक्ट जो अपनी लोकेशन है वो प्रिसाइजली कैलकुलेट की हुई थी, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स बहुत ही अच्छे से दिए हुए थे। एंड ये जो मैप दिया गया था दैट वॉज इन 1507।
और ये बेसिकली जो कार्टा मरीना जो मैप था, इट वाज बेसिकली मेंट फॉर नेविगेटर्स, ये नेविगेटर्स के लिए था। ओके अब ये तो थे कुछ इम्पोर्टेंट स्कॉलर्स, इनके अलावा जो अपने काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्कॉलर्स आते हैं इन द फील्ड ऑफ ज्योग्राफी ऑफ क्लासिकल टाइम, वो हैं वारेनियस। जो वारेनियस थे ही वॉज बॉर्न इन 1622। ओके 1622 में इनका बर्थ हुआ था नियर हैम्बर्ग। हैम्बर्ग के पास में एक विलेज है, तो उस जर्मनी में हैम्बर्ग के पास में विलेज है, वहाँ पे इनका बर्थ हुआ था। जहाँ पे इन्होंने क्या क्या सब्जेक्ट स्टडीज स्टडी किया, फिलॉसफी फिलॉसफी मैथ्स एंड फिजिक्स। तो ये सब्जेक्ट्स इन्होंने स्टडी किया इन द लोकल यूनिवर्सिटी, दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ हैम्बर्ग। तो वहीं की यूनिवर्सिटी में इन्होंने अपने जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि फिलॉसफी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, ये सारी सब्जेक्ट्स को इन्होंने स्टडी किया। फिर इन्होंने एक बुक पब्लिश की अपनी, और उस बुक का नाम था रेजन लेपोनिए एस्सियन। ओके रेजन लेपोनिए एस्सियन। ओके तो ये जो बुक थी इसमें इन्होंने बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया था ऑफ जापान। जापान का बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया गया था कौन सी बुक में, रेजन लेपोनिए एस्सियन। सो इनकी बुक थी, जस्ट अ सेकेंड, ओके ये इनकी बुक थी जिसमें इन्होंने काफ़ी अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया था ऑफ जापान। जापान का बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया था। नेक्स्ट इनकी जो बुक पब्लिश हुई थी वो थी ज्योग्राफिया जनरलिस्ट। ओके ज्योग्राफिया जनरलिस्ट, ये जो बुक थी इसमें इन्होंने काफ़ी अपन देख सकते हैं इन्होंने डिफरेंशिएशन किए थे बिटवीन फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। ओके इन्होंने फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी में काफी डिफरेंशिएशन किया था, जनरल और स्पेशल स्पेशल साइंस में। ओके जनरल एंड स्पेशल ज्योग्राफी जो ये सेक्शन है इसमें इन्होंने डिफरेंशिएट किया था। देन इन्होंने नया कॉन्सेप्ट डेवलप किया था ऑफ सिस्टमैटिक एंड रीजनल ज्योग्राफी। नाउ इन तीनों को देख के आपको कुछ याद आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, डिफरेंशिएशन हो रहा है बिटवीन टू ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी। तो बेसिकली जो डाइकॉटमी है, डाइकॉटमी ऑफ द सब्जेक्ट्स ऑफ ज्योग्राफी, जो ब्रांचेस हैं, ब्रांचिंग ऑफ ज्योग्राफी, इस टाइम राइज हुआ था इस चीज का। ओके जो डाइकॉटमी का राइज है वो कब हुआ था, वॉरेनियस के टाइम, बर्नर्ड वॉरेनियस के टाइम। ओके नाउ इसके अलावा अपन देखेंगे दैट वॉरेनियस ने जो ज्योग्राफी है उसको फर्दर
क्लासिफाई किया था इनटू वेरियस पार्ट, ही डिवाइडेड इट इनटू वेरियस पार्ट. सो बेसिकली इन्होंने तीन पार्ट में डिवाइड किया था ज्योग्राफी को. सो द फर्स्ट पार्ट इज एब्सोल्यूट, देन सेकेंड वी हैव इज रिलेटिव, एंड थर्ड लास्टली वी हैव इज कंपैरेटिव. ठीक है, तो इन्होंने तीन पार्ट में डिवाइड किया. तो एब्सोल्यूट जो ज्योग्राफी थी, एब्सोल्यूट पार्ट जो था, वो एक्चुअली टेरेस्ट्रियल पार्ट से डील करता है. ओके, टेरेस्ट्रियल पार्ट से डील करता है, एंड इसमें एक्चुअली डिस्क्रिप्शन है ऑफ शेप एंड साइज ऑफ अर्थ. जो फिजिकल ज्योग्राफी है, कॉन्टिनेंट का, ओशन का, एयर का, एटमोसफेयर का, ये सारी चीजें अपन इसमें पढ़ेंगे. ओके, इन सारी चीजों का डिस्क्रिप्शन किसमें है? एब्सोल्यूट ज्योग्राफी में या एब्सोल्यूट पार्ट में. देन वी हैव रिलेटिव ज्योग्राफी. रिलेटिव ज्योग्राफी को अपन प्लानिटरी पार्ट भी बोल सकते हैं. ओके, प्लानिटरी पार्ट भी बोल सकते हैं. इसमें क्या है? अर्थ का रिलेशन विद द अदर स्टार्स. अर्थ कैसे रिलेटेड है विद अदर स्टार्स? इसके बारे में इन्होंने डिस्क्राइब किया था. और जो स्टार्स हैं उसमें भी बेसिकली जो अपन ने ये पढ़ेंगे वो है सन. तो सन का क्या रिलेशन है विद द अर्थ, एंड जो इन्फ्लुएंस है उसका वर्ल्ड क्लाइमेट पे, सन का जितने भी वर्ल्ड क्लाइमेट है उस पे किस तरीके का इन्फ्लुएंस है, इन सब के बारे में इन्होंने स्टडी किया इन द रिलेटिव पार्ट. लास्टली आएगा अपना कंपैरेटिव सेक्शन. जो कंपैरेटिव सेक्शन है उसमें डिस्कस किया गया था लोकेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स विद रिलेशन टू ईच अदर. ओके, तो कैसे जो डिफरेंट प्लेसेस हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, किधर किधर वो लोकेटेड हैं. ओके, ये सारी चीजें इसमें डिस्कस की गई थी. बेसिकली ये जो कंपैरेटिव पार्ट था वो प्रिंसिपल ऑफ नेविगेशन पे बेस्ड था. ओके, तो जो ट्रेवलिंग वगैरह के लिए जो चाहिए था उसके लिए था दस कंपैरेटिव पार्ट. ओके, नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज अबाउट वॉरेनियस वॉज ही बिलीव्ड इन हेलियोसेंट्रिक अप्रोच. द पॉइंट, ये हेलियोसेंट्रिक अप्रोच या हेलियोसेंट्रिक यूनिवर्स पे बिलीव करते थे. एंड अब आप देखेंगे कि कैसे जियोसेंट्रिक अप्रोच से अपना जो अप्रोच है इट इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स सन सेंटर्ड सोलर सिस्टम. ओके, अब जो ये वॉरेनियस थे ही वॉज द फर्स्ट स्कॉलर. ये ऐसे भी पहले स्कॉलर थे जिन्होंने एडवोकेट किया था दैट जो अपना अर्थ है तो उसके जो इक्वेटोरियल पार्ट है वहां पे हाईएस्ट टेम्परेचर नहीं होता. ओके, तो इक्वेटोरियल पार्ट पे अपने हाईएस्ट टेम्परेचर नहीं है, बल्कि जो एडजेसेंट जो अपना ट्रॉपिकल रीजन है. ओके, जो अपना ट्रॉपिकल रीजन है वहां के जो हॉट डेजर्ट्स हैं, ट्रॉपिकल रीजन पे जो हॉट डेजर्ट हैं वहां पे अपने को सबसे ज्यादा टेम्परेचर देखने को मिलेगा. ओके, तो जो टेम्परेचर कहाँ होगा हाईएस्ट? एट द ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट एरियाज. गॉट द पॉइंट? नाउ ये तो थे अपने वॉरेनियस. नेक्स्ट आते हैं अपने इमैनुअल कांट. इमैनुअल कांट बेसिकली ही वाज द स्कॉलर इन द 18th सेंचुरी, और इनका बर्थ हुआ था 1724 में. ये सिर्फ एक फिलोसफी में ग्रेट स्कॉलर नहीं थे, पर इन्होंने काफी कंट्रीब्यूशन किया था इन द फील्ड ऑफ नेचुरल साइंसेस, एंड स्पेशली अगर अपन देखेंगे तो वो होगा इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी एंड ज्योग्राफी. ओके, इन फील्ड में इन्होंने काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट किया था अपार्ट फ्रॉम फिलोसफी. ओके, अब इमैनुअल कांट वाज द वन जिन्होंने जो अर्थ है या ज्योग्राफी है उसको फ्री कर दिया फ्रॉम द बॉन्ड ऑफ थियोलॉजी. थियोलॉजी
थियोलॉजी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि गॉड ने किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए या गॉड हैज क्रिएटेड दिस होल अर्थ फॉर स्पेशली मेंट फॉर द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। ओके, तो ये जो अप्रोच थी इसको इन्होंने फ्रॉम रूट ही अपरूटेड दिस कॉन्सेप्ट और दिस थ्योरी ऑफ थियोलॉजी। गॉट द पॉइंट? जो मेन इंटरेस्ट था इनका वो था इन द फील्ड ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, पर जब अपन इनकी फिजिकल ज्योग्राफी देखेंगे तो इन्होंने काफी ज्यादा डिस्कस कर रखा है अबाउट ह्यूमन रेशियल ग्रुप्स। तो फिजिकल ज्योग्राफी इज ऑल्सो बेस्ड ऑन एरियाज। ओके, तो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में किस तरीके से रेसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिजिकल एनवायरमेंट, ये जो सारी चीजें हैं, जो फिजिकल एक्टिविटीज हो रही है अर्थ पे, जो नेचुरल कंडीशंस है, उनको सारी चीजों को इन्होंने वाइडेस्ट टर्म जो कि अब पॉसिबल है उसमें इन्होंने एक्सप्लेन किया था। ओके, नाउ इसके अलावा अपन देखेंगे कि कांट एक्चुअली एडवोकेटेड दैट जो नॉलेज है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। ओके, इट कैन बी क्लासिफाइड इन टू टू वेज। नॉलेज को दो वेज में क्लासिफाई किया जा सकता है। फर्स्ट इज लॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड सेकेंड इज आर फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो सब्जेक्ट मैटर, किसी भी सब्जेक्ट मैटर को दो तरीके से पढ़ा जा सकता है, एक तो लॉजिकल तरीके से और एक उसके फिजिकल बेसिस पे। नेक्स्ट इन्होंने बोला दैट हिस्ट्री, हिस्ट्री को इन्होंने बेसिकली ज्योग्राफी से डिफ्रेंशिएट किया। इन्होंने बोला जो हिस्ट्री है ये किसी भी फिनोमिना को कैसे पढ़ती है, एक फिनोमिना हुआ उसके बाद दूसरा, देन दूसरा, देन दूसरा। ओके, तो एक के बाद एक जो फिनोमिनाज हो रहे हैं उसको ये स्टडी करती है फॉलोइंग वन आफ्टर द अदर। ओके, जिसको इन्होंने बोला नेशिनेंडर। ओके, ये कौन सी अप्रोच थी? नेशिनेंडर। ओके, नेशिनेंडर अप्रोच फॉलो हो रही है इसमें, जिसमें एक के बाद एक अपन इवेंट्स को स्टडी कर रहे हैं। ऑब्वियसली जैसे अपन अगर हिस्ट्री को देखें तो हिस्ट्री अपन कैसे पढ़ते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंप्लीट एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री में भी अपन शुरू करेंगे फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक पीरियड एंड ऑल दैट। फिर उसके बाद अपन आएंगे मिडिवल, फिर उसके बाद आएंगे फिर अपन मॉडर्न एरा में। गॉट द पॉइंट? तो इस तरीके से हिस्ट्री को पढ़ा जाता है हर जगह। तो इन्होंने इस अप्रोच को क्या बोला? नेशिनेंडर अप्रोच। और जो ये नेशिनेंडर अप्रोच है उसके साथ साथ हिस्ट्री एक्चुअली रेफर्स टू द टाइम। हिस्ट्री में क्रोनोलॉजिकल एस्पेक्ट बहुत ज्यादा है। ऑब्वियसली अपन हर चीज को देखते हैं, ये चीज कब हुई थी, कब हुई थी, कब हुई थी। ओके, तो ये सारी चीजें किसमें आएंगी? हिस्ट्री में। तो नेशिनेंडर एज वेल एज क्रोनोलॉजिकल अप्रोच है किसकी? हिस्ट्री की। मैं इसको ढंग से लिख देती हूँ एक बार। तो ये दोनों अप्रोचेस हैं ऑफ द हिस्ट्री। वेर एज अगर अपन ज्योग्राफी को देखेंगे तो ज्योग्राफी में बेसिकली अपन क्या करेंगे, जो फिनोमिनाज हैं, सी हियर, जितने भी फिनोमिनाज हैं ये अपनी अर्थ पे हो रहे हैं, एक जगह एक फिनोमिना आकर हो रहा है। जैसे यहाँ पे अपन देखें अर्थक्वेक आ रहा है, यहाँ पे माउंटेन बिल्डिंग सिस्टम चल रहा है। ओके, इधर अपने वॉल्केनिक माउंटेन्स फॉर्म हो रही हैं। तो ये सारी चीजें एक के बाद एक नहीं हो रही हैं। ओके, दे आर नॉट फॉलोइंग ईच अदर, एक्चुअली दे आर हैपनिंग कॉन्जिक्यूटिवली। ओके, ये एक साथ हो रही हैं, ये चीजें एक के बाद एक नहीं हो रही, तो दे आर स्प्रेड बिसाइड ईच अदर। ओके, तो जो जितने भी ज्योग्राफिकल फिनोमिनाज हैं दे आर स्प्रेड बिसाइड्स each other। तो इन जो ये जो तरीका होता है जिसमें अपन सारे फिनोमिनास को एक साथ स्टडी करते हैं, नॉट फॉलोइंग अप। ओके, एक इवेंट के बाद दूसरे इवेंट को फॉलो अप नहीं हो रहा इसमें, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे नेबिनेंडर अप्रोच।
तो नेबिनेंडर अप्रोच। नेक्स्ट जो ज्योग्राफी है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? स्पेस। क्योंकि टाइम में क्या होता है, टाइम में एक के बाद एक चीज फॉलो अप होती है, पर कोई चीज एक ही साथ हो रही है विद इन अ, मतलब आप कह सकते हैं कि एक ही साथ हो रही है कोई भी चीज जो एक ही एरिया में स्प्रेड है। तो इसमें अपने को क्या चाहिए? एरिया चाहिए, दैट मीन्स स्पेस चाहिए। तो स्पेस को अपन क्या बोलेंगे? कोरोलॉजी। तो नेबिनेंडर अप्रोच अलोंग विद कोरोलॉजी, ये अपने ज्योग्राफी का जो स्टडी है उसको इस तरीके से स्टडी करते हैं अपन। गॉट द पॉइंट? नाउ इसके बाद जो इमैनुअल कांट है उनको फादर ऑफ एक्सेप्शनलिज्म भी कहा गया है। व्हाई ही इज कॉल्ड एज फादर ऑफ एक्सेप्शनलिज्म? इसका रीजन है कि इन्होंने जनरलाइजेशन, जो अप्रोच है, जो अप्रोच है ऑफ जनरलाइजेशन, उसको इन्होंने अपोज किया। और ये बिलीव करते हैं दैट हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ये मैथडोलॉजिकली डिफरेंट है, डिफरेंट फ्रॉम अदर साइंस है। तो जो अपन जनरलाइज करते हैं सारी चीज़ों को, दैट साइंसेज, जितनी भी साइंसेज हैं वो सेम है, इन सबको एक साथ अपन पढ़ सकते हैं, फिजिक्स एंड इन सबको एक साथ पढ़ सकते हैं। तो इन्होंने इस चीज़ को मतलब इस चीज़ को रिजेक्ट किया, कि इन्होंने बोला कि इन सारी चीज़ों को पढ़ने का मेथड जो है, जो इसकी मैथडोलॉजी है, वो काफी अलग है। जैसे अपन ने अभी देखा हिस्ट्री और ज्योग्राफी में भी काफी डिफरेंस था ऑफ द मेथड ऑफ स्टडिंग। तो मैथडोलॉजिकली ये डिफरेंट है फ्रॉम द अदर साइंसेस। और ये जो जो सब्जेक्ट्स हैं देवर कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ यूनिक एंड एक्सेप्शनल पार्ट्स। तो जो यूनिक और एक्सेप्शनल चीजें हैं उनको स्टडी करने के लिए क्या है? ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। सी, इसके लिए अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कोई भी साइंस ली अपन ने, जैसे एक फ्लावर उग रहा है, ये बायोलॉजी में अपन इस पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, दैट फ्लावर कैसे, इसका फॉर्म होता है, इसके कितने पार्ट्स हैं, ये क्यों होता है, ये सारी चीजें। बट एक फ्लावर, अगर ये फ्लावर उग रहा है, अ फ्लावर इज ब्लूमिंग, तो दिस थिंग इज नॉट अ हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट, ये कोई हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट चीज नहीं है। तो हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट होने के लिए एक यूनिक चीज का होना जरूरी है या एक्सेप्शनल चीज का होना जरूरी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अपन ले कि जो बैम्बू है उसमें जो फ्लावर्स आते हैं वो काफी लंबे टाइम के बाद एक बार फ्लावर्स आते हैं। तो ये जो है लास्ट टाइम कब आया था, ये एक तरीके से थोड़ा बहुत अपन कह सकते हैं हिस्टोरिकल इवेंट हो जाएगा। तो ये हिस्ट्री में आएगा। हिस्ट्री में ऐसी चीजें नहीं आती कि आप जनरलाइज हर एक चीज को पढ़ रहे हो कि अपने को समर्स में गर्मी क्यों लगती है, विंटर्स में अपने को ठंड क्यों लगती है, अपन वुलन क्लोथ क्यों पहनते हैं। तो ये सारी चीजें किसमें नहीं आती? इन द फील्ड ऑफ ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। तो जो ज्योग्राफी और हिस्ट्री में होने के लिए किसी भी चीज को यूनिक और एक्सेप्शनल होना पड़ेगा, तभी आप देखेंगे हिस्टोरिकल जो भी इवेंट्स हैं, अपन ये नहीं पढ़ते कि राजा इस दिन इधर से इधर गया था, इस दिन उसने ये खाया था, इस दिन इसने ये चीज की थी। तो ये सारी चीजें नहीं पढ़ते। जो भी मेन हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए थे, लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई भी बैटल हुआ था, इस टाइम ये बैटल हुआ था, इसके रीजन ये थे, ये सारी चीजें अपने हिस्ट्री में पढ़ी जाएंगी। ज्योग्राफी के लिए यूनिक होने के लिए, जैसे अर्थक्वेक कहीं पे अकर कर रहा है, तो अर्थक्वेक इज अ एक्सेप्शनल थिंग, इज अ यूनिक थिंग, जो कि नॉर्मली नहीं होता। तो ये एक्सेप्शनल चीज हुई तो ये क्यों हुई? इरोजन हुआ किसी भी एरिया का तो वो क्यों हुआ? ये इन्होंने बोला कि इसलिए ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री दे आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर साइंसेस। गॉट द पॉइंट? नाउ ये इस वजह से इनको फादर ऑफ एक्सेप्शनलिज्म कहा जाता है। नेक्स्ट, इन्होंने एक्चुअली ही असर्टेड दैट स्पेस इज नॉट अ थिंग और इवेंट। जो स्पेस है, स्पेस मीन्स एरिया,
स्पेस कोई थिंग नहीं है, इट इज नॉट अ थिंग, या कोई इवेंट नहीं है दैट इज अकरिंग। ओके, तो ये एक तरीके का फ्रेमवर्क है जिसमें कोई भी चीज या इवेंट अकर करती है। ओके, स्पेस एक तरीके का फ्रेमवर्क है जहां पे जिसको स्टडी किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ थिंग एंड इवेंट। ओके, तो स्पेस इज नॉट अ थिंग एंड इवेंट, वेदर रादर इट इज अ फ्रेमवर्क जिसमें थिंग्स एंड इवेंट को स्टडी किया जाता है। गॉट द पॉइंट? अब इनके जो वर्क्स हैं, बेसिकली इनके वर्क्स अपन देखेंगे तो वी विल सी इन्होंने फर्स्ट जो इनकी बुक पब्लिश हुई थी दैट वाज जनरल नेचुरल हिस्ट्री एंड थियोरी ऑफ हेवेंस। ओके, जनरल नेचुरल हिस्ट्री एंड थियोरी ऑफ हेवेंस, ये जो बुक पब्लिश हुई थी ये थी इनकी 1755 में। इसके बाद इनकी बहुत ही फेमस बुक दैट इज क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। अलॉन्ग विद क्रिटिक ऑफ जजमेंट, ये बुक पब्लिश हुई थी इनकी। इसके अलावा इनकी एक और ऐसे पब्लिश हुआ था दैट इज एंथ्रोपोलॉजी फ्रॉम प्रेगमेंटिक पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, एंथ्रोपोलॉजी फ्रॉम प्रेगमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, गॉट द पॉइंट? तो ये इनके जो बेसिकली ये इनके वर्क थे, और इसमें आप देखेंगे कि इन सारे वर्क में क्लियरली अपने को दिख रहा है कि ज्योग्राफिकल थिंकिंग कैसे अपना कोर्स चेंज कर रही है। ओके, किस तरीके से जो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं वो चेंज होते जा रहे हैं इन द फील्ड ऑफ ज्योग्राफी। नाउ इन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए जैसे कि द वर्ल्ड, इन्होंने जो वर्ल्ड को परसीव, वर्ल्ड को अब इन्होंने कहा कि अपन वर्ल्ड को परसीव कर सकते हैं दो तरीके से, एक तो बाय द इनर सेंस, जस्ट अ सेकेंड, जिसको बोलते हैं सील या सोल, या फिर बाय मैन, तो इसको अपन बोलेंगे मेंश्ड, मेंश्ड। ओके, तो इनका जो बेसिकली पॉइंट ऑफ व्यू था कि जो एक्सेप्शनलिज्म एंड ये सारे जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं वो बेसिकली अपन देखेंगे दैट कांट ने ये सारे पॉइंट ऑफ व्यूज कंसीव किए थे और या फिर बोरो किए थे फ्रॉम द बफन्स वर्क ऑफ, जो बफन का वर्क था ऑफ हिस्टोरी नेचुरल। ये जो बफन का वर्क था उससे इन्होंने ये जो सारे पॉइंट ऑफ व्यूज या फिर सारे थॉट्स हैं वो बोरो किए थे। नेक्स्ट आता है अपना क्लासिकल पीरियड। नाउ सी, क्लासिकल पीरियड इज बेसिकली नोन एज हम्बोल्ट एंड रोटेरियन पीरियड। तो जो हम्बोल्ट एंड रिटर हैं दे वर फाउंडिंग फादर्स ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, और जैसा कि अपन ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस देम इन डिटेल फॉर नाउ। तो जो हम्बोल्ट और रिटर है दे आर फाउंडिंग फादर्स ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, और इन्होंने थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, जो मोस्ट थियोरेटिकल और प्रैग्मेटिक कॉन्सेप्ट्स हैं ऑफ द मॉडर्न ज्योग्राफी, इसको इन्होंने स्टेब्लिश किया। और काफ़ी ज़्यादा सिंथेसिस आप देखेंगे इस टाइम में, लार्ज नंबर ऑफ सिंथेसिस आए थे।
ना हार्टशॉर्न जो है, हार्टशॉर्न ने इनका जो पीरियड है, द पीरियड ऑफ हम्बोल्ट एंड रिटर, इस पीरियड को या इस ज्योग्राफिकल डेमोन्स्ट्रेशन को क्लासिकल ज्योग्राफी डिस्क्राइब किया है, एंड इस पीरियड को बोला है उन्होंने, दिस वॉज द पीरियड ऑफ क्लासिकल ज्योग्राफी। ओके, तो ये पीरियड, इसको अपन क्लासिकल ज्योग्राफी बोलते हैं। इसमें क्या है, जो इट इज नोन एज द फाउंडेशन पीरियड, फाउंडेशन पीरियड ऑफ डिसिप्लिन विद वेरी यूनिफॉर्म एंड सिंपल मेथड्स। ठीक है, इस टाइम जो ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन इवॉल्व हो रहा था, अपन ने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था दैट इसके बाद आफ्टर द क्लासिकल पीरियड जो मॉडर्न एरा आएगा या पोस्ट क्लासिकल पीरियड आएगा, वहाँ पे ज्योग्राफी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट बन जाएगा। तो उसमें ये जो सारा कॉम्बिनेशन है ऑफ द सब्जेक्ट्स, ओके, ये सारा कलेक्टिविज्म जो एक थॉट है जिसमें अपन सारे थॉट्स को, सारे सब्जेक्ट्स को कलेक्ट करके अपन स्टडी करते हैं, दैट थिंग विल एंड। तो जो एरा है ऑफ कलेक्टिविज्म विल एंड विद द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ हम्बोल्ट एंड रिटर। गॉट द पॉइंट? नाउ नेक्स्ट आता है अपना द पोस्ट क्लासिकल पीरियड। नाउ जो पोस्ट क्लासिकल पीरियड है, आप देखेंगे इस टाइम एक्चुअली दिस इज एक्चुअली प्री इंडस्ट्रियल एज। ओके, तो इस टाइम लोगों के पास जितनी भी नॉलेज थी, देयर ज्योग्राफिकल नॉलेज एंड ऑल दैट नॉलेज, इसको लोगों ने अपने इम्पोर्टेंट, या फिर आप कह सकते हैं एक काफी प्रोफेशनली इसको डिस्क्राइब करना शुरू कर दिया। दे स्टार्टेड स्टडिंग ऑल दीज कॉन्सेप्ट, और इन सारे कॉन्सेप्ट को एक डिसिप्लिन, एक कैटेगराइजेशन देना शुरू कर दिया इन द पोस्ट क्लासिकल पीरियड। ओके, तो आप देखेंगे इन द पोस्ट क्लासिकल पीरियड, अगर अपन वैसे इन दैट उस पीरियड में जाएं, तो फिर क्या हो रहा था वहां पे, सारा साइंटिफिक अप्रोच शुरू हो गया था। ओके, एक सिस्टमेटिक और साइंटिफिक अप्रोच शुरू हो गया था। जनरलाइज चीजें थोड़ी उस टाइम क्या थी, पॉपुलर होना कम हो गई थी। ओके, तो दैट इज वाई अपन देखेंगे कि जो जितने भी स्कॉलर्स हैं ऑफ द पोस्ट क्लासिकल टाइम, इन्होंने क्या किया, स्पेसिफिक सब्जेक्ट को स्टडी करना शुरू कर दिया। गॉट द पॉइंट? तो इस टाइम क्या है, मटीरियलिस्टिक अप्रोच आ गई थी, अप्रोच, साइंटिफिक अप्रोच एंड मेथोडोलॉजिकल अप्रोच प्लस मैकेनिकल अप्रोच। ओके, तो ये जो अप्रोचेस थी वो बेसिकली सारे जितने भी डिसिप्लिन हैं वो mid-19th century में इसी इन अप्रोचेस से इन्फ्लुएंस थे। तो ज्योग्राफी इज नॉट एक्सेप्शनल, तो ज्योग्राफी भी इन्हीं चीजों से इन्फ्लुएंस्ड हुआ, एंड जितने भी जो वर्कर्स हैं, सॉरी जो स्कॉलर्स हैं, उन्होंने एक नीड फील की, दे एक्चुअली फेल्ट द नीड ऑफ प्रोफेशनली, जो प्रोफेशनली इस सब्जेक्ट को डील करने की नीड फील हुई, एंड दे एक्चुअली गाइडेड द स्टडी ऑफ ज्योग्राफी इनटू वेरियस डिसिप्लिन्स। ओके, तो जो ज्योग्राफी है उसको एज अ डिसिप्लिन ले जाया गया, और उसको एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन बना दिया गया इन द फील्ड ऑफ साइंसेस। ओके, तो अब ये एक कलेक्टिविज्म की अप्रोच नहीं थी, तो ज्योग्राफी को इन सारे जो अप्रोचेस थे, जैसे अलग अलग अपने अप्रोचेस हैं, उनसे सेपरेट ले जाके एक अलग से डिसिप्लिन क्रिएट कर दिया गया इन द फील्ड ऑफ, या फिर इन द पीरियड ऑफ पोस्ट क्लासिकल एरा। ओके, गॉट द पॉइंट? जितने भी इमर्जिंग प्रोफेसर्स थे, दे केम अप विद देयर ओन डेफिनेशंस ऑफ ज्योग्राफी। वो अलग अलग डेफिनेशन के साथ आ रहे थे, बिकॉज वो नया एरा था, नई अप्रोचेस थी, तो देयर चांसेस ऑफ बीइंग रिकॉग्नाइज्ड वो इंक्रीज हो गए थे। ओके, तो इन्होंने एक्चुअली जो ज्योग्राफी के फील्ड में या ज्योग्राफिकल थिंकिंग के फील्ड में अपनी अपनी डेफिनेशंस रखना शुरू किया। इन्होंने ज्योग्राफी को एक एकेडमिक स्टेटस दिया, एक इंडिपेंडेंट और परमानेंट
डिसिप्लिन बनाया ज्योग्राफी को। नाउ अपन देखेंगे दैट जो न्यू ज्योग्राफी थी वो बहुत ही ज़्यादा, जो इम्पोर्टेंट स्कॉलर्स हैं न्यू ज्योग्राफी को लाने के लिए, उनको अपन स्टडी करेंगे, अभी उनके वर्क्स को स्टडी करेंगे। तो आप देखेंगे पास्कल रिक्टोफन, रेडजेल, पैंक, हेटना, इन सब ने कंट्रीब्यूट किया इन द फील्ड ऑफ ज्योग्राफी, और इनके कंट्रीब्यूशन से जो जर्मनी है इट बिकेम द लीडिंग नेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एकेडमिक ज्योग्राफी। ओके, तो जितने भी जर्मन स्कॉलर्स हैं ऑफ द पोस्ट क्लासिकल पीरियड, दे कंट्रीब्यूटेड सो मच इन ज्योग्राफी कि जर्मनी एक लीडिंग नेशन बन गया, लीडिंग नेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एकेडमिक ज्योग्राफी। गॉट द पॉइंट? नाउ अब एक एक स्कॉलर्स को अपन ढंग से समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ऑस्कर पास्कल। इन्होंने एक्चुअली ज्योग्राफी को एक न्यू आउटलुक दिया, न्यू ओरिएंटेशन दिया, या अपन कह सकते हैं एक न्यू डायमेंशन दिया। और जो इनका डायमेंशन था, जो इनके थॉट प्रोसेस था, वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट करता था। इट कॉन्फ्लिक्टेड विद द थॉट्स ऑफ रिटर एंड हम्बोल्ट। तो जो क्लासिकल पीरियड था उससे इनके थॉट जो थे, जो थॉट्स थे किसके, ऑस्कर पास्कल के, वो बिल्कुल भी मैच नहीं करते थे, देवर कॉन्फ्लिक्टिंग। ओके, इन्होंने रिकग्नाइज किया ड्यूअलिज्म इन ज्योग्राफी, ही रिकग्नाइज ड्यूअलिज्म इन ज्योग्राफी, पर इन्होंने मैन को बेसिकली ज्योग्राफी से एक्सक्लूड कर दिया। इन्होंने बोला ज्योग्राफी को स्टडी करने के लिए मैन इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, सॉरी, आई एम सो सॉरी, मैन इस डिसिप्लिन में का कोई इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं करता। तो ज्योग्राफी में द रोल ऑफ मैन, या जो मैन को स्टडी करना या इसके इफेक्ट्स को स्टडी करना या इफेक्ट ऑफ ज्योग्राफी ऑन मैन, इसको स्टडी करना इज नॉट रिक्वायर्ड। गॉट द पॉइंट? बट बेसिकली क्या है, इनके जो इम्पोर्टेंट वर्क्स थे वो पब्लिश नहीं हो पाए बिकॉज ही डाइड एट द एज ऑफ 49, और जितने भी वर्क्स थे उनको वो इनकम्प्लीट छोड़ गए। ओके, नेक्स्ट आते हैं अपने फर्डिनेंड वॉन रिक्टोफन। फर्डिनेंड वॉन रिक्टोफन, इन्होंने एक्चुअली साइंटिफिक स्पिरिट जो थी ऑफ पास्कल उसको कैरी फॉरवर्ड किया। इन्होंने एक्चुअली ज्योग्राफी का मेन ऑब्जेक्टिव बताया। तो इनके अकॉर्डिंग जो ज्योग्राफी का मेन ऑब्जेक्टिव था वो था सर्च फॉर ह्यूमन रिलेशन, सर्च फॉर ह्यूमन रिलेशन विद द फिजिकल फिजिकल अर्थ एंड बायोलॉजिकल फीचर्स। नाउ सी, आप बोलेंगे कि इन्होंने तो पास्कल के वर्क को कैरी फॉरवर्ड किया था। नो, इन्होंने उनकी जो साइंटिफिक स्पिरिट थी, मतलब जो उनका साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू था फॉर वर्किंग इन ज्योग्राफी, इन द फील्ड ऑफ ज्योग्राफी, उसको अडॉप्ट किया था। ओके, बट नॉट हिज पॉइंट ऑफ व्यूज, इनके पॉइंट ऑफ व्यूज को अडॉप्ट नहीं किया था उन्होंने। तो इनके अकॉर्डिंग ह्यूमन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द और वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ज्योग्राफी। ओके, तभी ये ह्यूमन रिलेशन को स्टडी कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द फिजिकल अर्थ एंड बायोलॉजिकल फीचर्स। गॉट द पॉइंट? उसके बाद आप देखेंगे ही इज द फर्स्ट ज्योग्राफर, ये पहले ऐसे ज्योग्राफर हैं जिन्होंने एस्टेब्लिश किया द डिफरेंस बिटवीन जनरल एंड रीजनल ज्योग्राफी। तो अगर अपन देखेंगे जनरल एंड जस्ट अ सेकंड, जनरल
जनरल एंड रीजनल ज्योग्राफी के बीच में जो डिफरेंस स्टेब्लिश करने वाले ये पहले स्कॉलर थे, सॉरी पहले जर्मन स्कॉलर थे, ओके, ही वाज द फर्स्ट जर्मन स्कॉलर। उसके बाद अपन देखेंगे इन्होंने एक्चुअली रीजनल ज्योग्राफी को बोला कि रीजनल ज्योग्राफी डिस्क्रिप्टिव होनी चाहिए। डिस्क्रिप्टिव क्यों? बिकॉज ये कोई भी एरिया है, किसी भी एरिया के की फीचर को हाईलाइट करती है, ओके, की फीचर को हाईलाइट करती है। ओके, तो रीजनल ज्योग्राफी में की फीचर को हाईलाइट किया जाता है। इस वजह से अगर आप की फीचर को पूरा हाईलाइट कर रहे हो तो आपको उस की फीचर को डिस्क्राइब करना पड़ेगा, और डिस्क्राइब करने के लिए दैट सब्जेक्ट हैज टू बी डिस्क्रिप्टिव इन नेचर। ओके, तो रीजनल ज्योग्राफी में इन्होंने कहा दैट रीजनल ज्योग्राफी शुड बी डिस्क्रिप्टिव इन नेचर। गॉट द पॉइंट? उसके बाद आते हैं अपन जनरल ज्योग्राफी की तरफ। जनरल ज्योग्राफी इन्होंने बोला, जनरल ज्योग्राफी में अपन स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ते हैं। स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या, जितने भी फिजिकल इवेंट्स हो रहे हैं वर्ल्ड में, तो उन वो कहाँ कहाँ हो रहे हैं, ओके, उसको पढ़ा जाता है। तो इट नीड नॉट टू बी दैट मच डिस्क्रिप्टिव। ओके, तो अपन एक मैप पे भी देख सकते हैं कि है ना कौन कौन से अर्थक्वेक कहाँ आ रहे हैं, वॉल्केनिक इरप्शंस कहाँ हो रहे हैं। ये सारी चीजें क्या है, इन्होंने बोला जनरल ज्योग्राफी में आती है, जिसमें स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाता है किसी भी फिजिकल इवेंट का विच इज अकरिंग इन द वर्ल्ड। ओके, रिक्टोफन ने जो एरियाज हैं उनको डिफरेंट साइज के अकॉर्डिंग डिस्टिंग्विश किया। नाउ अब मैं इनके नाम नहीं ले सकती बिकॉज दे आर वेरी हार्ड। तो बेसिकली इन्होंने चार पार्ट में डिवाइड किया, चार पार्ट में डिवाइड किया इन्होंने एरियाज को, या डिस्टिंग्विश किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। तो फर्स्ट था अपना अर्थ टेल, जिसको जिसमें एक्चुअली अपन देखेंगे जो मेजर डिवीजन है ऑफ द वर्ल्ड, जैसे कि कॉन्टिनेंट एंड ओशन या डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स को अपन डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये जो सारे चीजें हैं ये किसमें आएंगे, इन द अर्थ टेल। नेक्स्ट है लैंडर, जो लैंडर है उसमें अपन मेजर रीजन्स देखेंगे। ओके, मेजर रीजन्स में जैसे आ गए अपने अमेजोनियन रीजन, ये सारे चीजें, सहारा डेजर्ट, इसमें जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट रीजन्स हैं, जो मेजर रीजन्स हैं जिनका काफी बड़ा एरिया है, इन सबको स्टडी करेंगे। उसके बाद आते हैं अपने लैंड्स कैप्टन, लैंडस्कैप्टन में अपन जितने भी लैंडस्केप्स हैं या स्मॉल रीजन्स हैं, अपने छोटे छोटे रीजन्स हैं, स्मॉल स्मॉल लैंडस्केप्स हैं, इन सबको अपन स्टडी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई भी लैंडस्केप हो गया, रिवर है तो वो वाला फेलुवियल लैंडस्केप, इन सारे रीजन्स को अपन स्टडी करेंगे। लास्टली अपने आएंगे ऑर्टिकेटन्स, ऑर्टिकेटन्स जो है वो लोकेलिटीज को, मतलब कोई भी लोकल एरिया है वहां पे किस तरीके के कल्चर है, या फिर आप देख सकते हैं किस तरीके का क्लाइमेटिक कंडीशन है किसी भी एरिया में, तो उस एरिया की लोकेलिटी को, उस लैंडस्केप की लोकेलिटी को इसमें स्टडी किया जाएगा। ओके, तो ये थे अपने फोर डिविजन, एंड आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर द प्रोनंसिएशन, वो आप करेक्ट कर लीजिएगा, बट दी स्पेलिंग्स आर करेक्ट। ओके, तो इसमें अपने को बेसिकली ये चार डिविजन्स देखने को मिलेंगे।
इसके बाद जो रिक्टोफन है, इन्होंने एक्चुअली बेसिकली जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं ऑफ हम्बोल्ट, हम्बोल्ट की कही हुई बातों को इन्होंने फॉलो किया, और इन्होंने एक्चुअली अटेम्प्ट किया टू रिवाइव द क्लोज कनेक्शन ऑफ ज्योग्राफी टू नेचुरल साइंस. ज्योग्राफी का नेचुरल साइंस के साथ जो कनेक्शन है उसको रिवाइव करने की कोशिश की. अलोंग विद इट, ये तो हम्बोल्ट में था, ओके, हम्बोल्ट के कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग इन्होंने कनेक्शन बिटवीन ज्योग्राफी एंड नेचुरल साइंसेस को रिवाइव करने की कोशिश की. उसके अलावा रिटेरियन ट्रेडिशन में अगर अपन देखेंगे तो ही ट्राइड टू रीस्टोर द मेथडोलॉजी ऑफ रिटेरियन ट्रेडिशन. ओके, रिटेरियन ने जो रिटेरियन की जो मेथडोलॉजीज थी ऑफ स्टडिंग ज्योग्राफी, इसको उन्होंने रिवाइव करने की कोशिश की. एंड अलोंग विद इट हम्बोल्ट और रिटर की जो थ्योरी थी उसके साथ साथ इन्होंने पैस्कल के जो कॉन्सेप्ट्स थे, इनकी जो मेथडोलॉजी थी उसको भी सॉर्ट आफ्टर किया. ओके, तो इनके जो थिंकिंग थी उसके बेसिस पे ये जो दोनों थॉट प्रोसेस थे उसको इंक्लूड करके या कंबाइन करके इन्होंने अपना एक थॉट प्रोसेस या डिसिप्लिन स्टैब्लिश किया. ओके, या थ्योरी स्टैब्लिश की. गॉट द पॉइंट? नेक्स्ट आएंगे अपने फ्रेडरिक रेटजल. फ्रेडरिक रेटजल बेसिकली ये कंटेम्प्रेरी है किसके? ऑफ डार्विन. एंड आप देखेंगे फ्रेडरिक रेटजल की जितनी भी थ्योरीज हैं, बेसिकली जो थीम्स हैं उनके, जैसे कि अपन देखेंगे स्ट्रगल एंड नेचुरल सिलेक्शन, ओके, स्ट्रगल एंड नेचुरल सिलेक्शन, उसके बाद एसोसिएशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनके, बेसिकली इसमें इनका साफ दिखता है कि ही वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्क ऑफ डार्विन. ओके, तो डार्विन की जो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उसके ये बेसिकली काफ़ी बड़े, काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे उन थ्योरीज से. उसके बाद आप देखेंगे इन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी की सिस्टमैटिक स्टडी की, और इन्होंने डिफरेंट मोड ऑफ लाइफ, मतलब काफ़ी ज़्यादा जितनी भी ट्राइब्स थी और नेशन थे उनके डिफरेंट मोड ऑफ लाइफ को साइंटिफिकली कंपेयर किया यूजिंग द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी. उसके बाद अपन देखेंगे 1896 में रेडजल ने पोलिटिकल ज्योग्राफी नाम की बुक लिखी. जिसमें इन्होंने कंपेयर किया स्टेट टू एन ऑर्गेनिज्म. ओके, तो इन्होंने स्टेट को कंपेयर किया किससे? एक ऑर्गेनिज्म से. तो इन्होंने एक्चुअली बोला कि जैसे एक ऑर्गेनिज्म है वो अगर अपनी स्पीशीज को या फिर अपनी प्रोजेनी को ज़्यादा बढ़ाता है और अलॉन्ग विद दैट वो इवॉल्व भी होता है अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरमेंट, तो वो उस एरिया में या उस रीजन में सर्वाइव कर पाएगा. अदरवाइज या तो उसको ग्रो करना पड़ेगा या फिर इट हैज टू डाई, या फिर ये कभी भी खड़ा नहीं हो पाएगा वापस. ओके, द स्टेट इज सेम एज अ सिंपल क्रीचर. अगर वो अपने आप को डेवलप नहीं करता, वो अपने आप को इवॉल्व नहीं करता विद एज कंपेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर, तो वो या तो पैरिश हो जाएगा वो स्टेट, या फिर अगर वो इवॉल्व कर पाता है तो वो दूसरे स्टेट को पैरिश कर देगा, खत्म कर देगा और ग्रो करेगा, या फिर वो वापस से कभी खड़ा नहीं हो पाएगा. गॉट द पॉइंट? तो ये था उनका पॉलिटिकल ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट. इसमें भी अपन देखेंगे कि ये इनका जो वर्क है डार्विन से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है. नाउ एक चीज इन्होंने बोली, जितने भी अपन देखेंगे जो बेस्ट नेशंस हैं, जितने भी बेस्ट नेशंस हैं वो एक्चुअली दे आर स्टेइंग, या वो बेस्ट क्यों है? बिकॉज ऑफ
देयर नेबरिंग कंट्रीज। अगर अपन देखेंगे यूएसए को, तो यूएसए के नेबर में आप देखेंगे वी हैव कनाडा, वी हैव मैक्सिको। तो ये जो सारे कंट्रीज हैं आप देखेंगे, दीज कंट्रीज आर ऑल्सो वेरी डेवलप्ड। ओके, ये काफी डेवलप्ड और प्रॉस्परस कंट्री है और यूएसए का इनके साथ काफी फ्रेंडली रिलेशन है। ओके, तो दैट इज वाई यूएसए एक सुपर पावर की तरह, अभी पूरे वर्ल्ड में सुपर पावर की तरह एक इस इन्होंने अपनी जो एक स्टेब्लिश कर रखा अपना पॉइंट ऑफ व्यू एज अ सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। ओके, गॉट द पॉइंट। तो यूएसए के अगर जो नेबरिंग कंट्रीज है वो इस तरीके के होते हैं, दैट सीरिया इनका नेबरिंग कंट्री है, वी हैव पाकिस्तान एज देयर नेबरिंग कंट्री, चाइना एज देयर नेबरिंग कंट्री। तो ऑब्वियसली वो इन सारे झगड़ों को ही सुलझाने में लगा रहता, तो वो अपने जो जो इसके इंटरनल डेवलपमेंट्स हैं ऑफ द कंट्री, बाकी सारी जो चीजें हैं अपार्ट फ्रॉम द मिलिट्री डेवलपमेंट, ओके, जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के अलावा जो डेवलपमेंट है, साइंटिफिक डेवलपमेंट एक्सेट्रा, उसमें वो इतना प्रॉस्पर नहीं कर पाता। तो सेम इज द थिंग कि आपके जो नेबर हैं, आप कैसे अच्छे या बेस्ट नेशन बन सकते हो, आपके फ्रेंडली रिलेशंस होने चाहिए विद द नेबरिंग कंट्रीज। दैट इज वाई आप देखेंगे इंडिया में अपने एक्ट ईस्ट पॉलिसी या लुक ईस्ट पॉलिसी, इस तरीके की पॉलिसीज आती रहती हैं, या पंचशील सिद्धांत, ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं किस लिए हैं, टू मेंटेन द फ्रेंडली रिलेशन विद द नेबरिंग कंट्रीज। अपन पाकिस्तान एंड चाइना से भी अपन चाहते हैं टू मेंटेन द फ्रेंडली रिलेशनशिप। ओके, तो ये सारी चीजें किस लिए हैं, सो दैट इन सारी चीजों से अगर अपने को छुटकारा मिले, ओके, दीज राइवलरी नेशंस से अगर अपने को छुटकारा मिले, देन वी कैन फोकस ऑन, या फिर वी कैन फोकस मोर ऑन आर इंटरनल डेवलपमेंट्स। ओके, तो ये इन्होंने, फ्रेडरिक रेडजेल ने ये कॉन्सेप्ट दिया। गॉट द पॉइंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नेशनल ज्योग्राफी या पॉलिटिकल ज्योग्राफी। ओके, नेक्स्ट आते हैं अपने एल्फ्रेड हेटनर। एल्फ्रेड हेटनर ने बुक लिखी यूरोप। तो जो इनकी बुक थी उसके दो वॉल्यूम्स थे। फर्स्ट वॉल्यूम पब्लिश हुआ था 1907 में, सेकेंड वॉल्यूम वॉज पब्लिश्ड इन 1924। तो ये जो दोनों वॉल्यूम्स थे इसमें इन्होंने ये सॉरी ये इसमें इन्होंने रीजनल ज्योग्राफी का काफी अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया था, बिकॉज ऑफ विच ये दोनों जो वॉल्यूम्स हैं ये रीजनल ज्योग्राफी के फाउंडेशन स्टोन्स साबित हुए। ओके, दे बिकेम द फाउंडेशन ऑफ रीजनल ज्योग्राफी। नाउ अकॉर्डिंग टू हिम, ज्योग्राफी क्या है, एक क्रोनोलॉजिकल साइंस है। क्रोनोलॉजिकल, नॉट कोरोलॉजिकल। क्रोनोलॉजी मीन्स टाइम के बेसिस पे। ओके, एंड इट स्टडीज, ओ आई एम सो सॉरी सो सॉरी सो सॉरी ज्योग्राफी इन्होंने बोला इज अ कोरोलॉजिकल साइंस। कोरोलॉजिकल साइंस, कोरोलॉजिकल साइंस मीन्स इट स्टडीज द एरिया। ओके ओके, इट स्टडीज द एरिया। तो इन्होंने एक्चुअली बोला कि जो ज्योग्राफिकल फिनोमेनास है वो किसी भी एरिया में, किसी भी पर्टिकुलर रीजन में अगर कोई भी ज्योग्राफिकल फिनोमेना अकर हो रहा है, ओके, तो उसको कैसे पढ़ेगा कोई भी, ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके, कि आई एम सो सॉरी कि जैसे ये एरिया है, यहाँ पे कोई ज्योग्राफिकल फिनोमिना कर हुआ, जैसे वॉल्केनो अकर हो गया। ओके, वॉल्केनो अकर हो गया। अब इस ज्योग्राफिकल फिनोमिना में जो स्पेशियल, मतलब जो अपने ऑर्गेनिजम्स हैं उन पे क्या असर पड़ रहा है, उस एरिया के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसका इस ज्योग्राफिकल फिनोमिना पे क्या असर, से क्या असर पड़ रहा है, उसको अपन किस में पढ़ेंगे, इन द फील्ड ऑफ ज्योग्राफी। गॉट द पॉइंट। तो ये जो भी नेचुरल अपना फिनोमिना हो रहा है उससे किस तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ द मैन ये इन्फ्लुएंस हो रहा है, या किस तरीके से उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन्फ्लुएंस हो रही है, किस तरीके के ऑर्गेनिज्म वहां पे पाए जा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस नेचुरल फिनोमिना, ये सारी चीजें ज्योग्राफी में पढ़ी जाती हैं। दैट इज वाई इट इज अ कोरोलॉजिकल साइंस। गॉट द पॉइंट। तो जैसे अगर अपन देखेंगे
प्लेन एरिया है अपना एक, ओके, एक माउंटेनस एरिया है। तो ये प्लेन और एक माउंटेन, ये एक ज्योग्राफिकल फिनोमेना हो गया, ओके। तो प्लेन एरिया में किस तरीके का स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, ओके, माउंटेनस एरिया में किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन है, किस तरीके की फ्लोरा एंड फौना यहाँ पे मिलती है, किस तरीके की यहाँ पे मिलती है, टेम्परेचर या फिर टेम्पोरल डिफरेंसेस क्या क्या है इन दोनों रीजन्स में, क्लाइमेटिक डिफरेंसेस क्या क्या है, ये सारी चीजें अपने को ज्योग्राफी में पढ़ने को मिलती है। दैट इज वाई वी हैव टू स्टडी द स्पेस, स्पेस को स्टडी करना होता है अपने को बेसिकली ज्योग्राफी में। दैट इज वाई ज्योग्राफी इज अ कोरोलॉजिकल साइंस। Got the point? अब जो हेटनर थे, he was against environmental determinism, okay? He was against environmental determinism, and then obviously अगर वो environmental determinism के against है, that means he was a significant contributor in the doctrine of possibilism, okay? तो पॉसिबिलिज्म को सपोर्ट करेंगे, और पॉसिबिलिज्म को ऐसे बोल के नहीं सपोर्ट करते थे उस टाइम कि हाँ मैं पॉसिबिलिज्म के सपोर्ट में, नॉट लाइक दिस। इन्होंने काफी सारी जो वर्क है इनका, लिटरेचर है, उसमें आपको देखने को मिलेगा हिज सपोर्ट या हिज डॉक्ट्राइन ऑफ पॉसिबिलिज्म या हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द डॉक्ट्राइन ऑफ पॉसिबिलिज्म। गॉट द पॉइंट? उसके बाद अपन देखेंगे ही बिलीव दैट ज्योग्राफी को आप कोई भी अप्रोच, वेदर इट बी आइडियोग्राफिक या फिर नोमोथेटिक अप्रोच या फिर बोथ अप्रोचेस, ओके, आइडियोग्राफिक एंड नोमोथेटिक अप्रोच, इन दोनों अप्रोचेस से आप स्टडी कर सकते हो, ओके। आइडियोग्राफिक अप्रोच मीन्स बेसिकली इसमें किसी डिस्क्रिप्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, एक सिंपल सिंबल या सिंबलाइज करते हैं अपन किसी भी एरिया को, तो उसी से एक आइडियोग्राफिक, जैसे अपन देखेंगे कि अपन आइसोथर्म्स बनाते हैं, ओके, तो ये लाइन क्या डिपिक्ट कर रही है, टेम्परेचर, और ये जो कनेक्शन ऑफ लाइंस है ये क्या डिपिक्ट करता है, ये एरियाज का सेम टेम्परेचर है। गॉट द पॉइंट? तो ये एक आइडियोग्राफिक अप्रोच हो गई, ओके, एक लेट्स से ये एक एग्जांपल हो गया फॉर आइडियोग्राफिक अप्रोच। नीमोथेटिक अप्रोच में क्या होगा, आप स्टडी करोगे, आप डिस्कवरी करोगे किसी भी चीज की और उसको जनरलाइज करोगे या फिर उसको साइंटिफिक लॉ से आप प्रूव करोगे, ओके, ये एक नीमोथेटिक अप्रोच हो गई। तो इन्होंने बोला कि ज्योग्राफी को आइडियोग्राफिक अप्रोच से भी पढ़ा जा सकता है, नीमोथेटिक अप्रोच से भी पढ़ा जा सकता है, या फिर यू कैन कंबाइन बोथ नीमोथेटिक एंड आइडियोग्राफिक अप्रोच टू स्टडी ज्योग्राफी। गॉट द पॉइंट? तो ये थे अल्फ्रेड हेटनर। इसके बाद लास्टली अपने आते हैं एल्बर्ट पेंक। एल्बर्ट पेंक ये बेसिकली एक मेजर जर्मन जियोलॉजिस्ट थे ऑफ द 20th सेंचुरी, अर्ली 20th सेंचुरी, ओके, और इन्होंने काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट्स दिए थे इन द फील्ड ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। ओके, जियोमॉर्फोलॉजी के फील्ड में इन्होंने काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट किया था। तो ऑब्वियसली जियोमॉर्फोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, तो इनके जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन रहेंगे वो किसमें रहेंगे, इन द फील्ड ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, मॉडर्न फिजिकल ज्योग्राफी में इनका मेनली डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न फिजिकल ज्योग्राफी में इनका बहुत बड़ा योगदान था, या ही वॉज अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर इन द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न फिजिकल ज्योग्राफी। नाउ नॉट ओनली हिम, एल्बर्ट, सिर्फ एल्बर्ट पेंक नहीं, आप देखेंगे इनके जितने भी डिसाइपल थे, जैसे पिसार्च है, कोपेन है, स्कॉट है, फिलिप्सन है, क्रिस्टेलर है, कैजिन्स है, कैजलेंस हैं, देन हॉशफर हैं, इन्होंने भी काफी ज्यादा वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए इन द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी की डिफरेंट ब्रांचेस में इनके डिसाइपल्स या फिर इनके जितने भी स्टूडेंट्स थे या इनके स्कॉलर्स थे, इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया इन द फील्ड ऑफ और इन द डिफरेंट फील्ड ऑफ और डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी। गॉट द पॉइंट? नाउ आप देखेंगे टिल 20th सेंचुरी ज्योग्राफी में जर्मन ज्योग्राफर्स जो थे बेसिकली, उन्होंने एक ग्रेटर डिग्री को अचीव कर लिया था, तो उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, और जो इनके कॉन्सेप्ट्स हैं वो, उनकी जो यूनिटी है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो
इतने इम्पोर्टेंट हैं और वो एक दूसरे से इतने अटैच्ड हैं, या फिर आप देख सकते हैं एक के बाद एक कॉन्सेप्ट इतने अमेलगमेशन जो है इनका, या फिर आप देखेंगे एक के बाद एक इनका जो सीक्वेंस है ऑफ द जो कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं वो इतने सिस्टमेटिकली डन है कि ये एक रिमार्केबल अचीवमेंट है इन द फील्ड ऑफ ज्योग्राफी। तो ये जो जर्मन ज्योग्राफर्स हैं इन्होंने मार्क किया है अ ग्रेटर डिग्री ऑफ यूनिटी इन द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट देन दैट वॉज एवर डन इन द हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफी टिल 20th सेंचुरी। गॉट द पॉइंट? तो ज्योग्राफी के फील्ड में जर्मन ज्योग्राफर्स ने काफी ग्रेट यूनिटी या ग्रेटर डिग्री ऑफ यूनिटी ऑफ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट प्रोवाइड की टू द वर्ल्ड। तो विद दिस अपने जर्मन ज्योग्राफर्स खत्म होते हैं। वी कम टू द एंड ऑफ आवर लेक्चर। तो होप यू एंजॉयड द लेक्चर। एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस कॉन्सेप्ट? आज जो अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ा उसके रिगार्डिंग में कोई भी क्वेश्चन? ओके, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपको? सो वील एंड द लेक्चर नाउ। नेक्स्ट लेक्चर अपन करेंगे द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेंच ज्योग्राफर्स इन द फील्ड ऑफ ज्योग्राफी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।